सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो भाई आज का व्लॉग होने वाला है करवा चौथ स्पेशल। तीसरा करवा चौथ है हमारी लाइफ का, जब तीसरा है। हमारी बीवी रेडी हो चुकी है, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और 4 बजे सर्गी करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे और पूरा दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए पूरा दिन निकालेंगे। बीवी का क्या दर्द होता है, कैसे काम करती है, सबको पता लग जाता है। अच्छे अच्छे दिन गिनने पड़ जाते हैं, तो आज का दिन कैसे जाने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, भूख तो लगेगी, देखते हैं। दो तो बढ़िया से निकल चुके हैं, कंट्रोल करा है काफ़ी, इस बार भी करेंगे, इस बार भी अच्छे से जाएगा। बाकी लोगों का तो काम है कहना कि भाई क्यों रखते हैं, पर हम जितना प्यार अपनी बीवी से करते हैं उतना प्यार हमसे ज़्यादा करती है वो, तो उसके लिए एक दिन तो बनता है ना। तो लो जी, हम हो चुके हैं रेडी। कुर्ता डाल लिया हमने जो पूरा दिन डालने वाले हैं, सर्गी कर ली है, खा लिया, अच्छे से पी ली है, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। अब हमारा टाइम क्लोज हो चुका है, अब हम कुछ नहीं खाएंगे जब तक चांद की पूजा ना हो जाए, और फिर हम शाम को मंदिर भी जाएंगे कुटिया में, वहाँ आरती पूजा करेंगे, उसके बाद हम वापस घर पे आएंगे, फिर चांद निकलने का वेट करेंगे। चलो देखते हैं इस बार का करवा चौथ कैसे होने वाला है। हमारी चाची चाचू को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तू भी बड़ा होके व्रत रखेगा, ये भी बड़ा होके अपनी बीवी के लिए व्रत रखेगा, जैसे चाचू ने रखा है चाची के लिए ना। कह दे कि जल्दी से लड़की मिल जाएगी तेरे को ना, अभी से तेरा रिश्ता फिक्स कर देगा। क्या हो रहा है, ये सोच रहा है कि आज क्या हो रहा है कि भाई सुबह से खेल रहे हैं, कुछ खाया नहीं इन्होंने, ये भी यही सोच रहा है, पर इसको तो खिला रहे हैं। बेटे देख रहे हो हमारी बीवी और भाभी को, कौन सुंदर लग रहा है कमेंट करके तो बता देना दोस्तों। वैसे भाभी ज्यादा लग रही है क्योंकि भाभी ने शादी का लहंगा पहन लिया। देखो सुबह 4:30 बजे कौन उठ गया, बाबूजी उठ गए। बाबूजी ए तू भी व्रत रखेगा हैं? बता किसके लिए रखेगा तू, चाचू के लिए? आप तो ये भी दूध नहीं पी रहा दूध ही नहीं पिया मेरे बेटे ने, चाचू के लिए फास्ट रखेगा। देखो भाई शाम के बज रहे हैं 6, ठीक है, बहुत देर से प्यास कंट्रोल हो रही है और भूख कंट्रोल हो रही है, लेकिन अब ना बहुत ऊपर लेवल की प्यास लग गई। पानी तो कम से कम यार पीने का होना चाहिए था इसमें, पानी तो बंदा पी ले। अगर यार हम देखते हैं, हम हर साल जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मम्मी को देखता था, बड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब यार सही में यार, और अब पता लगता है कि भाई क्या पेन होता है, क्या चीज होती है वर्थ में, पर पावरफुल होता है भाई, ऊपर से शक्ति आती है, समझ रहे हो इस चीज को। तो भाई ये फास्ट सबको रखना चाहिए, और ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, जो ना रखे ना तो उसका व्यय नहीं होना चाहिए। तो लो जी हम पहुंच गए हैं दरबार में, भाई जी वहां बैठे हैं, करवे की होगी पूजा, भाभी बैठी है यहाँ और मम्मी बैठी है वहाँ। मम्मी भी सुंदर लग रही है हमारी आज तो, और बीवी हमारी यहाँ बैठी है। चुन्नी ढक लो सर पे, मैं लगाऊं दू बिंदी, मेकअप का सामान लेकर चला करो। मैं अभी चांद देख कर आऊ ना, चांद निकला मैं, चांद देख कर आऊ ना, भूख लग रही है यार बहुत तेज मुझे को। तुम जाके देख कर आओ, चांद निकला के नहीं लग रहा मुझे, भूख लग रही है बहुत, तो फिर खाना खा लो, बहुत तेज भूख लग रही है यार, जल्दी से बताओ कब निकलेगा चांद आज। मम्मी से पूछो ना, भूख लग रही है क्या करूं, कंट्रोल नहीं हो रहा अब तो, और ये जैसे जैसे टाइम पास आ रहा ना दोस्तों, वैसे वैसे कसम से ऐसा हो रहा है।
हमेशा तो रखते हैं, पर हमेशा भाई हमेशा वाली कैपेसिटी अलग होती है। नई नई बंदी की शादी होती है तो बंदा रख लेता है, दो तो रख लिए, तीसरा रख लिया तो आज ऐसे बैटरी डाउन हो गई जैसे गाड़ी की भी नहीं होती कसम से। मेरा 8 बजने वाले हैं और ऐसे इस टाइम डाउन हो गया हूँ ना, एकदम बिल्कुल नीचे हो गया हूँ, तो बोला भी नहीं जा रहा। पर ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है ना, इसको देख लो ये मस्ती से वीडियो बना रही है क्योंकि ये घर में थी ना इसलिए। 9:30 बज गए, चंदा मामा आज पूरा लेट है, ढंग से लग गए भाई, नींद आ ली पूरी 1.5 घंटे की। पता नहीं कब आएंगे चंदा मामा यार आज। जय हो चंद्र मामा की। फाइनली 9:50 पे हमारे यहाँ चंद्र मामा दर्शन दिया अपना। चंद्र मामा आ चुके हैं सामने, जल्दी से पूजा करते हैं। चलो भाई पूजा की तैयारी करो फटाफट फटाफट करो फटाफट। लो जी अब देखा जाएगा चांद, पहले देखा जाता है चंद्रमा को, फिर उसके बाद देखा जाएगा पति देव को। पहले चांद को देखो मैडम जल्दी से, मेरे को प्यास लग रही है बहुत तेज। बाहर की वॉइस रिकॉर्डिंग हटा दी है क्योंकि भाई बहुत शोर शराबा था, हमारी छत पे नहीं आ पाया। उसके बाद पापा जी भी आ गए, पापा जी भी लेट हो गए थे। फिर मेरी बीवी ने देखी मेरी शक्ल जो बहुत ज्यादा उतर गई थी क्योंकि सुबह से पानी ना कुछ नहीं खाया पिया था। उसके बाद जो हमारी हालत थी बहुत बेकार हो चुकी थी, खतरनाक सीन हो चुका था। और उसके बाद जब बस पानी पीने का इंतजार था, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से पानी चढ़ाओ चंद्रमा को और प्रसाद चढ़ाओ और उसके बाद मुझे पानी चढ़ाओ। भाई पानी पीने की इतनी जिद हो रही थी ना, अंदर से गला से सूख रहा था, बात भी नहीं हो रही थी और पूरा बैठ गया था सिस्टम अंदर का। भाई मैंने कहा फटाफट मुझे पानी पिला दो पहले ही, लेकिन पहले मुझे बीवी को पिलाना था पानी। फिर हमने पहले प्रसाद चढ़ाया चंद्रमा को, मतलब कि एकदम ना ऐसा हो रहा था चांद सामने और पानी पी जाओ। पर पूजा करना भी जरूरी है भाई, जो करवा चौथ का फास्ट है वो पूजा के बिना अधूरा होता है। तो पहले हमने पूरा फास्ट खोलने के लिए पहले पूजा करी, उसके बाद मैंने फिर कहा कि यार मम्मी पिलाने दो पानी फटाफट। मैंने कहा फटाफट दो, जो जो रह गया छोटा मोटा वो घर जाके कर लेना क्योंकि मम्मी और को भी करना था। मैंने कहा पहले तू पी ले भाई पानी, उसके बाद मुझे पीना था पानी। मैंने कहा तू पी क्योंकि घर में थी। मैंने कहा मैं पी लूँ, कहती नहीं 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 मैं पिलाऊंगी। फिर इसने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया और मैंने 2 घूंट पिए ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई गला ऐसा। मैंने कहा बस अब मुझे कुछ खाते खाना, आशीर्वाद लिया फटाफट मैंने, इसको आशीर्वाद दिया, मेरे पैर छुए। मैंने कहा बस चल ले घर प्लीज यार, मैं थक चुका हूँ यार कसम से भाई, हाथ पैर ऐसे सुन लो। लो जी अब पापा मम्मी की बारी है, अब पापा फास्ट खोलेंगे। हैं जी बन रही है गाना भी, रुको ना पहले बाल्टी भर के ऐसे निलाते हैं, फिर जब पिला रहा हूँ के मारे कैसा रखा है गुड्डा, गिच्ची कैसा लग रहा है अभी थोड़ा सा पानी पी के? सही लग रहा है गुड्डा, ओ गुड्डा गुड्डा, मैंने तो दूध पी रखा है। गुस्सा क्यों कर रहा है तू? मैंने भी व्रत रखा है। चाचू ने, दादू ने भी रखा है फास्ट दादी के लिए, चाचू ने रखा है, चाचू ने, मैंने भी रखा है। पी लिया पानी, पड़ गया आराम, अब मेरी बारी पानी पीने की, दब दब पानी पी जाऊंगा। अभी तो 5-6 बोतल पानी पीना पड़ेगा पूरा कैपेसिटी पूरा करने के लिए, कितनी देर हो गई पानी नहीं पिया। खतरनाक फास्ट होता है ये, रकम मत लेना कुआरे तो खास करके, बीवी हो तो फिर भी खून पीती रहेगी। चलो जी फटाफट से राजमा चावल खा लेते हैं, सुपर अन्न मुंह में नहीं है ना भाई साहब, मतलब ऐसा हो रहा था पानी पीने के बाद जो भूख लग रही थी। मैंने कहा तू मत खा, तू बातें कर पहले मेरे को खाने दे भाई, तू मत खा। फाइनली भाई चांद देखने के बाद जो मैंने खाना और पानी पिया भाई सब, खाना तो बात ही पता, पानी इतनी मतलब सुबह की 4 बजे से और रात के 9:30-10 बजे तक पानी नहीं पिया भाई, कम से कम 2 लीटर एकदम से पानी पीना पड़ा मुझे। मेरे को तो चक्कर भी आने लग गए, अगर चांद और एक आधा घंटा लेट होता तो मैं बेहोश हो जाता। तो भाई करवा चौथ का फास्ट बहुत खतरनाक होता है रखना, ठीक है भाई जो भी रखे हिम्मत होनी चाहिए उसमें। तो सबसे बड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम पे नहीं जाना, और मैं कहीं बाहर चला गया था किसी काम से तो, और उसके बाद जो हालत खराब हुई हो भाई साहब, सुबह के 4-5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि ठंडा मौसम भी हो रखा था। उसके बाद जो मैं ऊपर नीचे थक गया ना ऊपर नीचे आने में,
उसके बाद हमने पूजा करी, मतलब उसके बाद तो मुझे नींद भी आ गई और मतलब तगड़े वाला सीन हो गया। तो भाई हैप्पी क्रिसमस टू ऑल और हमें भी। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, पर एक बार बता दूं भाई फास्ट रखना बहुत जरूरी है, तो तुम्हें पता रहेगा कि भाई बीवी क्यों अपना दर्द जाहिर करती है तुम्हारे आगे, तो इस चीज को इग्नोर ना करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।